नाज़रीन, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अगर आप अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, तो रब्बे कायनात आप पर रहम फरमाएगा। जरा ये देखें, एक जानवर होता है और जो किसी दरख्त के साथ लटका होता है और नीचे पानी बह रहा होता है, बड़ी मुश्किल से वो जो है वक्त बीत रहा होता है उसका, लेकिन अचानक जो है एक बोट आती है और जो है वो बड़ी खुशी मयसर होती है उसको, तो उस बोट के जरिए से वो दरख्त से उतरता है और चल दिया जाता है। अब जरा ये बोट चल रही है और बाकायदा जो है, और एक मेरे ख्याल में जो है वो बहन है जो इसको लेके जा रही है, तो वो उस बोट के अंदर बैठ के जो है एक आराम की कैफियत को पेश कर रहा है। तो कहने का मकसद ये कि इसी तरह से हमारे भाई, हमारी बहनें और हमारे वो भाई जो मुश्किल में है, जो इस सतह पर जिंदगी गुजार रहे हैं कि बेचारों के पास दो वक्त का खाना नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, और इसी तरह से जो है पहनने के लिए लिबास नहीं, ओढ़ने के लिए उनके पास कोई बिछोना नहीं है और कोई भी जमीन की सतह नहीं जिस पर वो जिंदगी बसर कर सके, तो हम कभी कभार जानवरों के साथ तो बड़ा अच्छा सलूक करते हैं, यकीनन करना चाहिए, इसमें दो आरा है ही नहीं। रब्बे कायनात की मखलूक के साथ हमें वफा करनी चाहिए, इसमें दो आरा नहीं है। लेकिन यह है कि रब्बे कायनात की जो मखलूक है, जो आला तरीन मखलूक है, जो मरकजी मखलूक है, जो अल्लाह को बहुत प्यारी है, सारी मखलूक अल्लाह को प्यारी है, लेकिन जो अल्लाह ने एक मकसद बड़ा देकर भेजा है, अकल भी दी, जहानत भी दी, समझदारी भी दी, तो उसके साथ हमारा क्या रवैया है? अगर हम उनके साथ अच्छा रवैया करें, जानवरों के साथ भी अच्छा रवैया रखें, सलूक रखें, नेकी रखें उसके साथ, लेकिन यह कि रब्बे कायनात की जो मखलूक है उसके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आए, देखें अल्लाह सुबहान व तआला अपनी नेकियों के मामलात में कैसे आपको आगे बढ़ाता है, अपनी रहमत के जरिए से कैसे आपको आगे बढ़ाता है, और इसी तरह से जन्नत के मामलात में आपको कितने बड़े मकामात से नवाजता है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वो भाई जिनको रिस्क में फराखी, जिनमें रिस्क में वसत दी है, अगर वो ये काम करते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, तो यकीन जानिए कि अल्लाह सुबहान व तआला आपसे कितना राजी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से पूछें कि मुझे अल्लाह ने अगर इसमें रिस्क में फराखी दी है, अगर मैं ये अल्लाह के साथ बिजनेस कर लूं, तो अल्लाह ताला जो है इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देगा। द बैंक ऑफ अल्लाह, यानी वो बैंक है जिसमें ना कोई चोरी होने का खदशा है, इसी तरह से ना कोई जो है डाकू आपके उस चीज को चुरा सकता है। सुभान अल्लाह।